सर्वाद सारी के शरणी अम्बिके गौरी नारायणी नमो गौरी नारायणी नमोस्तु स्वाहा। जय भिक्षै नमः स्वाहा। ओम सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वाद साधिके शरण्य अम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तु स्वाहा। विगत 30 वर्षों से विश्वनाथ जी मंदिर में ज्ञान व्यापी जो मंदिर हमारा था पहले, वह 30 साल पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने बिना नोटिस दिए, बिना कुछ बताए हुए उन्होंने ताला बंद करा दिया था, जो कल यानी 31 तारीख को बनारस के न्यायालय ने ये फैसला लिया कि वह पहले भी मंदिर था अंदर और मंदिर रहेगा, और परसों से पूजा अर्चना जो शुरू हुआ है उस पूजा अर्चना को लेकर के हम लोग गोरखपुर में विश्व हिंदू महासंघ के तत्वाधान में आज हम लोग हवन कर रहे हैं। इस बार शिव पुराण का पाठ करेंगे और हम लोग बड़ी खुशी मना रहे हैं इस बात से कि आज जो हमारी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस अगुवाई में आज कोर्ट के माध्यम से जो फैसला लिया गया है उसकी अगुवाई में पूजा पाठ कराने का और नव निर्माण कराने का मंदिर का संकल्प लिए हैं, वो हम लोग की बड़ी खुशी की बात है। माननीय मुलायम सिंह यादव के समय में जो 30 साल से बंद था आज 31 तारीख को खुला है। यह न्यायालय को भी हम धन्यवाद देते हैं कि उच्च न्यायालय और बनारस का न्यायालय को हम लोग धन्यवाद देते हैं। मुस्लिम समुदाय में इसको लेकर विरोध भी है, आज उन्होंने बंद का भी आह्वान किया बनारस में और जुमे की नमाज पर भी तमाम अलर्ट दिखा दिया, तो क्या कहना चाहेंगे मुस्लिम पक्ष से? देखिए, वह अल्पसंख्यक हैं, उनकी मांगे जो होती हैं वह मुगल के समय की होती है और इस पर मुगल राज नहीं चल रहा है, ये धर्म युग चल रहा है। उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। कुछ भी हो, इसके पहले राम जन्मभूमि में मुसलमानों ने समर्थन किया और इसमें भी समर्थन करेंगे, वो जो कि हमारी सच्चाई और सच्चाई हम लेकर के रहेंगे और ये कोर्ट के माध्यम से हो रहा है, ये नहीं कोई व्यक्तिगत जाग दबाव से ले रहा, कोर्ट का आदेश को हम लोग सर्वमान करते हैं। ये जो आपने यज्ञ किया सर बुद्धि यज्ञ जी, ठीक है, ये किसके लिए किया? ये हम लोग भगवान का जो उसमें धरातल जो मिले हैं उसमें जो भूमिगत मिले हुए हैं उनके खुशी में हम लोग हवन यज्ञ किए हैं कि बाबा विश्वनाथ की कृपा से सारे जो भी राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग हैं उन सबका इस हवन के माध्यम से नष्ट हो और हमारे बाबा भोलेनाथ का जो पुराना जो मंदिर है उसको विकास हो।